नमस्कार दोस्तों, आपका ध्यान गया होगा, अभी एक नया संकट भारत में खड़ा हो गया जिसको लेकर विदेशी मीडिया जबरदस्त बातें कर रही है। संकट है अडानी ग्रुप के ऊपर, जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिरा है उसको लेकर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो शेयर मार्केट गिर रहा है, इसके गिराने के पीछे हिडनबर्ग नामक एक कंपनी का योगदान है, जो कि सटोरिया है, सट्टा लगाती है गिरते हुए कंपनी के शेयरों के ऊपर। अमेरिका में इस प्रकार की एक्टिविटीज जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी उससे, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्चुअली जो कह रही है हिडनबर्ग, क्या उसमें कोई दम भी है या ऐसे ही बातें बना रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो भारत में लीगल है वो अमेरिका में इलीगल हो सकता है, और अमेरिका में जो लीगल है वो भारत में इलीगल हो सकता है। कारण क्या है कि दोनों के मोरल जो ग्राउंड्स हैं भारत और अमेरिका के, उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। सपोज कीजिए, या आपको एक मैं बेहतर एग्जांपल बता रहा हूँ, लॉबिंग। लॉबिंग अमेरिका में जायज़ है, भारत में इसे घूस देना कहते हैं, याद रखिएगा। अमेरिका में लॉबिंग कैसे जायज़ है और इसका कैसे प्रमाण मिलता है, इस चीज़ को देखिएगा। वॉलमार्ट कंपनी ने 2011-12 में बतलाया अपनी सीनेट में कि मैंने 200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं भारत में मल्टी ब्रांड रिटेलिंग को परमिशन दिलाने में। और मल्टी ब्रांड रिटेलिंग आपको पता है बहुत ज़्यादा हवा मचा था, 2010, 11, 12, 14 तक हुआ था, जब तक अरविंद केजरीवाल ने लास्ट स्टैंड नहीं लिया कि हम किसी भी हालत में मल्टी ब्रांड रिटेलिंग को अलाउ नहीं करेंगे। बाद में बीजेपी ने भी इस स्टैंड को कॉपी कर लिया और उसके बाद ये मामला खत्म हो गया। चलिए, तो यहाँ पर समझिए, वॉलमार्ट कंपनी ने 200 करोड़ रुपये भारत में खर्च किए लॉबिंग के नाम पर। अब ये लॉबिंग के नाम पर खर्च किए तो समझिए क्या है, निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रेस वाले को, सांसद को, एमएलए को, एमपी को ये घूस के रूप में दी गई होगी रकम, किसी राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में मिली होगी ये रकम, जिसमें मल्टी ब्रांड रिटेलिंग के प्रति वो समर्थन व्यक्त करते, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने के लिए रिपोर्टर्स को पैसे मिले होंगे, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए पैसे मिले होंगे, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो अमेरिका में जायज़ है, इंडिया में आप और हम उसे घूस कहते हैं, है ना? तो बस यही चीज़ समझ लीजिए, जो अमेरिका का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच करे या न करे, ये मामला जरूरी नहीं है। दूसरा चीज़ है, ये एक आरोप लगाया जा रहा है कि कैरेबियन द्वीप समूह में अडानी ग्रुप की कुछ संपत्ति होगी या फिर मॉरिशस में है। तो निश्चित तौर पर भारत में एक लंबी समय से ये समस्या रही है, जितने भी भारत के ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे कह सकते हैं पॉलिटिशियन हैं, उन सबका ब्लैक मनी का पैसा मॉरिशस में रहता था और वहाँ से एफडीआई के जरिए आता था। तो उसमें अडानी का होगा तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात हमें नहीं होगी। दूसरा चीज़, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये मामला इस प्रकार से था। अब ये कहा जा रहा है इतने करोड़ का लॉस हो गया। अरे लॉस कहाँ हो गया रे भाई, 10 रुपये का शेयर था, बढ़ते बढ़ते 100 रुपये का हुआ, अब अचानक से गिर के फिर से अगर बात करेंगे वो 50 रुपये का हो गया, तो क्या वो लॉस है कंपनी के लिए एग्जैक्टली? हाँ ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी कम हुई, तो क्या अडानी कल बेचने जा रहे थे उस कंपनी को जो लॉस हो गया? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ चीज़ें दिखने में दिखती हैं। इकोनॉमिक्स में जो होता है वो एग्जैक्ट वे में जनता के ऊपर इफेक्ट डाले ये पॉसिबल नहीं होता है। अब कहोगे जीडीपी, जीडीपी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बात यह है कि अगर आप घर में खाना खाते हो तो जीडीपी गिरती है, होटल में खाना खाते हो तो जीडीपी बढ़ती है, तो क्या करोगे, जीडीपी बढ़ाने के लिए होटल में खाना खाओगे? तो यहाँ पर कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए। और इतनी बड़ी खबर नहीं है अडानी ग्रुप की, जिसको लेकर पूरा विदेशी मीडिया, देसी मीडिया सबका सब लगा हुआ है, क्योंकि अडानी के बहाने भारत को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश है और कुछ नहीं। अडानी से वैसे भी हमारा भाई एक भारत की एक कंपनी है, और अडानी जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो भारत में बिजनेस कर रहे हैं, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स। फिर क्यों अडानी को लेके इतना भारत के लोग परेशान हो? ना कोई परेशानी की बात है, ना कोई चिंता की बात है, जस्ट चिल्ड एंड एन्जॉय, यही कहना था मेरा आज आप लोगों से। क्योंकि बेव्यर्थ की चीज़ों में न पड़े, ये कोई ना लॉस है न भारत का कोई नुकसान है, कहीं से भी कोई भारत को इससे लेना देना या भारतीय सरकार या भारतीय इकोनॉमी को कोई लेना देना नहीं है। एक कंपनी के विरुद्ध हिडनबर्ग ने अपना प्रयास किया है, क्योंकि हिडनबर्ग को प्रॉफिट चाहिए, हिडनबर्ग को प्रॉफिट चाहिए क्योंकि वह सट्टा ही लगाती है गिरने वाले कंपनी के शेयरों पर। तो उससे हमें क्या लेना देना भाई, आपको अपनी कोशिश करनी है, करो, जवाब देगा अडानी ग्रुप जहाँ देना होगा,
भारत सरकार का उसका लेना देना क्या? ये मुझे नहीं समझ में आता, आरबीआई वाले क्यों परेशान हैं? कितने लोन हैं बताओ? अरे जो लोन है अपना बताएगा, आपने लोन देने से पहले नहीं देखा क्या कि कितनी उसकी संपत्ति है या नहीं है? एक संपत्ति पर चार लोन दे दिए दिए हैं क्या? तो देने से पहले लोन देखिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, देने लायक है या नहीं है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इतनी क्यों चों चपड़ मच रही है, मुझे इस चीज़ से बड़ी एतराज है। आपका खुद का अपना अकाउंटिंग सिस्टम है, आरबीआई खुद सारी चीज़ों की निगरानी करती है, फिर आपको अपनी अकाउंटिंग पर भरोसा नहीं है, हिडनबर्ग की कंपनी के बातों पर भरोसा है, जो कि एक सटोरिया है, एक कह लीजिए सीधे तौर में जो हमारे सिनेमा हॉल के बाहर गली मोहल्ले में अगर बात करते होगे मटका खेलते हुए जो लोग दिखते हैं, तो उसी का मटका खेलने वाले का बड़ा रूप है, और क्या है ये? तो आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुधारिए साहब, न कि आप पढ़े रहिए हिडन वर्क की रिपोर्ट क्या हो गया। अरे अमेरिका में कह दिया तो क्या अकाट्य सत्य हो गया? आप अपने देश की अकाउंटिंग देखिए। चलिए आज की वीडियो में आरबीआई के गवर्नर और बाकी सारे महानुभावों को ये मेरा सीधा सा संदेश है कि भाई अपनी गिरेबान में झांपे, अपने अकाउंटिंग मेथड्स को बेहतर करें, न कि हिडन वर्क जैसी थर्ड क्लास कंपनियों के स्टेटमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा उछाल कूद मचाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।